लंबे समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों के दिलों पर राज करने वाली अदाकारा रानी चटर्जी को क्वीन ऑफ भोजपुरी का खिताब मिला था। अगर आपको याद हो तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू को प्रिंस ऑफ भोजपुरी सिनेमा चुना गया। यह अवार्ड रानी और चिंटू को भोजपुरी सिनेमा में दमदार अभिनय और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक न्यूज चैनल द्वारा मुंबई में आयोजित एक सम्मान समारोह में दिया गया था। दोनों भोजपुरी स्टार को यह अवार्ड अरुण गुप्ता ने दिया। बता दें कि भोजपुरिया क्वीन रानी चटर्जी को इंडस्ट्री में आए करीब 13 साल हो गए हैं। इंडस्ट्री में आते ही भोजपुरिया दर्शकों के दिल दिमाग में छा गई थी रानी। उनका ये जलवा कायम आज भी है। रानी काफी मेहनती हैं और अपने दम पर बिना किसी सपोर्ट के इंडस्ट्री में ये मुकाम पाया है। आज वे अपने दम पर भी फिल्में हिट कराने की क्षमता रखती हैं। ये क्षमता उन्हें दूसरी भोजपुरी के किसी दूसरी अभिनेत्री से अलग बनाती है। रानी लोगों के दिलों में गहरी बस्ती चली गई। अपने मेहनत और लगन से रानी आज इंडस्ट्री में आने वाली नई अदाकारा के लिए प्रेरणा है। तो वहीं बतौर बाल कलाकार भोजपुरी में इंडस्ट्री में आए प्रदीप पांडे चिंटू आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने लाजवाब एक्शन और अदाकारी से भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर चिंटू ने जो मुकाम हासिल किया है वह वाकई तारीफ के काबिल है। चिंटू ने भोजपुरी सिनेमा के कई चैलेंजिंग किरदार के जरिए लोगों के दिलों में उतरते चले गए और आज दर्शकों को उनकी फिल्म का इंतजार रहता है। अभी हाल ही में चिंटू की फिल्म ससुराल ने भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है और अभी 5वें सप्ताह में भी सिनेमा घरों में पसंद किया जा रहा है। चिंटू के बारे में कहा जाता है कि वो अपने काम के समर्पित कलाकार हैं और अपने काम से बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के 100% एफर्ट लगाते हैं। उनके साथ ही कलाकार भी उनके साथ काम करने में काफी सहज महसूस करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।